चंद्रमन दिख रहे हैं आप और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। सोशल मीडिया पे एक सर्कुलर जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर ये बताया जा रहा है, उस सर्कुलर में ये बताया जा रहा है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स हैं उन्हें रेगुलराइज किया गया है, यानी कि परमानेंट उन्हें किया गया है। ये सर्कुलर जो है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिससे आपको बताते चले कि डेली वेजर्स जो है वो एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं कि आखिरकार जिस यानी कि जिस काफी समय से जिसका इंतजार था, जिस ऑर्डर का इंतजार था, आखिरकार वो निकल ही गया। लेकिन आपको बताते चले कि ये इस सर्कुलर की आखिरकार क्या सच्चाई है, क्या केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर जो है क्या वो निकाला गया है, क्या ऐसा कुछ कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स है उन सबको परमानेंट किया जाएगा, रेगुलराइज किया जाएगा, इस आखिरकार इस सर्कुलर के पीछे की क्या सच्चाई है, उससे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसमें सर्कुलर में ये कहा गया है कि 61,000 यानी कि जितने भी जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स हैं उन सबको रेगुलराइज किया गया है। इस ऑर्डर में साफ तौर पर यह लिखा है कि हाई कमांड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह साहब, ये साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर यूज किया है साहब, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये सर्कुलर जो है वो फर्जी है। एंड All cabinet ministers has been approved 61,000 candidate for regularization in various department, power department, forest department, revenue department, PHE Jal Shakti department, medical and health department, agriculture, sericulture, floriculture, gardens and park department, education department, municipality department, public work department, यानी कि इन तमाम डिपार्टमेंट के जो भी डेली वेजर्स है उन सब को परमानेंट किया गया है, साफ तौर पर इस ऑर्डर पे ऐसा लिखा गया है। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन, उसके बाद जितने भी रहबरे जंगलात हैं, रहबरे खेल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, ये साफ तौर पर कहा गया है कि यानी कि जितने भी ये सारे डिपार्टमेंट जो है वो मेंशन किए गए हैं। और उन्होंने कहा है कि इस मीटिंग में यानी कि अमित शाह मौजूद थे, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की प्रेजेंस में ये ऑर्डर जो है वो निकाला गया है, जिसमें ये बताया गया है कि लगभग 61,000 जम्मू कश्मीर के सब डेली वेजर्स को परमानेंट किया गया है। ये साफ तौर पर फर्जी है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, तो आपको बताते चले ये सर्कुलर साफ तौर पर फर्जी है, फेक है। इसकी सच्चाई हम आपको बता चुके हैं कि जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, वहीं पर डेली वेजर जो है वो एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, लेकिन ये डेली वेजर्स के साथ एक भद्दा मजाक किया गया है, जहां पर कई सालों से वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और वहीं पर ये सर्कुलर को जारी कर एक भद्दा मजाक जो है वो डेली वेजर्स के साथ किया गया है, जहां पर जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स है, सर्कुलर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स है यानी 61,000 डेली वेजर्स को परमानेंट किया गया है, रेगुलराइज किया गया है। तो आपको बताते चले कि सर्कुलर की ये सच्चाई है कि ये सर्कुलर साफ तौर पर फर्जी है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, वहीं पर लोगों को ये लग रहा है कि ये सर्कुलर जो है, ये ऑर्डर जो है वो यानी कि जिस चीज का वो इंतजार कर रहे थे डेली वेजर, जिसका इंतजार कर रहे थे काफी समय से, जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे, आखिरकार वो वक्त आ गया, आखिरकार उस लड़ाई का यानी कि वो लड़ाई जो है वो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन आपको बताते चले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, साफ तौर पर इसकी सच्चाई यही है, इस सर्कुलर की सच्चाई यही है कि ये सर्कुलर साफ तौर पर फर्जी है। ऐसा कोई भी सर्कुलर केंद्र सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है, ऐसा कोई भी सर्कुलर जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से नहीं निकाला गया, ये सर्कुलर साफ तौर पर फर्जी है। अगर आपके पास भी ये सर्कुलर आता है तो इसे वायरल ना कीजिएगा, एक दूसरे को फॉरवर्ड ना करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ये जानकारी पहुंच सके कि ये सर्कुलर जो है वो साफ तौर पर फर्जी है। मुझे दीजिए इजाजत, कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।